तो आज ये संडे का नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने सुबह सुबह छेड़ दिया है। तो ये लगे आज बेड के अंदर में, थोड़ी सी लगे थे पहले, स्टार्ट करने लगे हल्की सी सफाई, पर एक ही फिर मैडम कहते हैं कि नहीं पूरी सफाई करनी है ढंग से। तब ये देखिए सारा खलारा डाल दिया है, ये सब तरह देखिए पूरा बेड को खाली करके दोबारा नए सिरे से। वो किसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह आ गई थी, तो ये कहते हैं पूरी डस्टिंग इसकी प्रॉपर करके फिर कपड़े जो सर्दियों वाले जो उसमें कंबल कुंबल वगैरह था वो नीचे करके और गर्मियों वाले ऊपर आ जाएंगे। और बाकी ये जितना भी जो सामान ये सारा पड़ा है इसमें से जो वेस्ट है वो सारा बाहर करेंगे और जो काम की चीज़ें वो रखेंगे। और बाकी सभी की ड्यूटी लगी हुई है, सीधा की भी ड्यूटी लगी है भाई, साथ में हेल्प कराओ सारे। इधर चिंटू की भी लगाई ड्यूटी, चिंटू ने कर लिया काम, डस्टिंग कर ली, सीधा ने क्या क्या किया अभी तक बताओ जरा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। है क्या किया ये सब, क्या किया तुमने? गाइस कैसे हो आप लोग? तो आज दिन की शुरुआत हो गई है, संडे का दिन है। संडे का दिन जो होता है वो बाहर के काम कम होते हैं, घर के काम ज़्यादा होते हैं। तो आज घर की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, और चिंटू अपना कॉलेज डेली स्कूटर लेके जाता है, पर उसको ये नहीं पता है सर्विस कब करवानी है स्कूटर की। तो कल मैंने अचानक ही ध्यान दिया इसकी सर्विस ड्यू हो गई है, और सर्विस ड्यू क्या ओवर ड्यू हो गई है, मतलब 400-500 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई है, चल गया स्कूटर। तो अचानक मैं क्या यार इसको पहले सर्विस करवाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का तो काम ऐसे ही होते हैं। तो मैं चला हूँ जरा इसकी पहले तो सर्विस करवा के आता हूँ, और उसके बाद आगे की कार्रवाई बताता हूँ फिर आप। गाइज आज संडे के दिन भी, मतलब वो संडे नहीं, आज काफ़ी बिजी शेड्यूल सुबह से चल रहा है। तो सुबह पहले तो मैंने आपको बताया था कि पहले स्कूटर सर्विस करवाया, और देन उसके आफ्टर एक जगह और भी कहीं क्लाइंट के पास जाना था तो वहाँ होके आया हूँ। देन उसके बाद सिद्दक के कल के कुछ बुक्स में, मतलब नोटबुक्स वगैरह ली नहीं थी वहाँ पर, तो वो यहाँ से खरड़ की मार्केट से वो ली है। और देन आफ्टर एक अपनी क्लोजिंग का ही लास्ट एक और पॉलिसी कि बात कहीं से चली तो वो भी बात बन गई, तो वहाँ पे अभी फिर क्लाइंट से बात हुई है। तो वो क्लाइंट मेरे पीएफ ही हैं, देवेंद्र कुमार यादव हैं, तो अभी उनके घर पे जा रहा हूँ। तो उनकी एक पॉलिसी डन हो गई है, बस जाके अब जो फॉर्मेलिटी है डॉक्यूमेंटेशन की वो पूरी करते हैं, और फिर आज का जो है अपना जो ईयर एंड है, जो फाइनेंशियल ईयर अपना जो है वो एक तरीके से लास्ट पॉलिसी से एक अच्छा ईयर एंड हो जाएगा अपना। और जो भी मतलब सोच के चल रहा था जितना बिजनेस, उसके हिसाब से वो बिजनेस मतलब लगभग बिल्कुल 19-20 का ही फ़र्क रह गया थोड़ा सा, पर एक थोड़ा सा फ़र्क रह गया था कि जो प्रमोशन का थोड़ा सा जो है डिफरेंस रह गया वहाँ पे। तो बाकी रही बात जब मैं देवेंद्र के घर जा रहा हूँ, और वहाँ भी आपको भी साथ में लेके चलता हूँ मैं, आइए चलते हैं। डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो है कि अब आने वाले समय में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाइट में चला जाएगा, क्योंकि अब जैसे डे बाई डे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जो गर्मी दिनों दिन मतलब बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा पा, हाँ पा आई है, आई तो मैं बोला भाई फटाफट भाग घर पे चल, ठीक है। तो कहता
खड़ा हो गया वहीं पर। मैं समझ गया भैया अब इसके हिम्मत नहीं है घर जाने की, इसको गोदी में उठाया पता लगा कि कर रखी है। बहुत तेरी, अच्छा ये कर दिया तुमने हैं? अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? पोटी आ गई। ओए यार पोटी आ गई थी, पहले तो तेरे को आ नहीं रही थी फिर आ गई एकदम से, फिर गोदी उठा के लेके आया बेचारे। यही तो भाई बच्चों के। नाउ गाइस इट्स द टाइम टू बाय द वेजिटेबल्स। तो अब मैं घर की ड्यूटी निभा रहा हूँ। एक हरी सब्जी ले रही थी घर से, मैं क्या घर की सब्जी लेता हूँ। रास्ते में अभी देवेंद्र के घर से आ रहा हूँ, तो वापसी में मैं क्या घर से फ़ोन आ गया आलू प्याज वगैरह ख़त्म हो रखे हैं, तो वो भी देख रहा था। तो मैं कह चलो हरी सब्जी कुछ देखता हूँ। तो सब्जी यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्रेश सब्जी दिख रही है, तो मैं कह चलो यहाँ से कुछ ले लेता हूँ। तो कल को फिर यहाँ की होगी मंडी बंद, तो आज ही ले लेता हूँ सब्जी, दो तीन सब्जियाँ लेनी है। तो गाइस अभी इन बच्चों का ना अभी अचानक इनका प्लान बन गया, कहते बाहर से कुछ खा के आते हैं, क्योंकि कल से बच्चों को भी स्कूल खुल रहे हैं, और आज कहते हैं कि कुछ बाहर का खिला दो हमें, घर की खाना घर का खाना नहीं खाना अभी रात को। तो शाम को बनाया भी नहीं कुछ था घर पे, अभी चले बाहर कुछ खा के आते हैं। पहुँच गया भाई? चिंटू को बोला चेक कर लेगा भाई। चेक कर लिया? चलिए गाइस फिर कहाँ जाना सिदक? चलते हैं। कुछ विचार व्यक्त कीजिए आप लोग भी अपने अपने। वैसे शांत तो क्या थोड़ी काम चलेगा, थोड़े तो अपने व्यक्त कीजिए विचार अपने अपने। बोलते नहीं ऐसे काम थोड़ी चलेगा, अकेले अकेले मेरे बनाने से ब्लॉग थोड़ी बनेगा। डोसा नहीं मिलेगा जो नहीं बोलेगा। हाँ डोसा नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसे नहीं मिलेगा, जो बोलेगा वही खाएगा, जो नहीं भूख खोलेगा वहाँ भी नहीं खुलेगा। चिंटू ने तो सबसे ज्यादा ए दो तीन दिन तो पीछे पे आई, ये तो जो डबल डोसा खाएगा उसको ज्यादा बोलना पड़ेगा। मम्मी डोसा खाने चले, बड़े दिन हो गए डोसा खाने चले। वही थोड़ा YouTube वगैरह देख के मन कर जाता है। तो ए ज्यादा YouTube पे वही देंदा है ना, किथे तक की है किथे तक। आज असि अंदर रेस्टोरेंट च नहीं खानी ना, आज ही बाहर रेड़ी ते खावांगे। आज रेड़ी दा मजा लो मजा। डोसा तो रेडी ते खा के मजा आता है, रेस्टोरेंट तक खा के नहीं मजा आता। रेडी ते बैठ के खा। कल ना वो मैं की कहते हैं वो बंदा सी जोमैटो वाला, ते उन्हें लभन दिया भाई नु लभे ना, तक वो बंदा कहता कहा अरे यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ सफेद रंग की नैनो खड़ी है, इसी गली में खड़ा हूँ, यहाँ सफेद रंग की नैनो खड़ी है। कौन खेलो कर लाइटा जल रही है। गाइस ये सनेन क्लिप के पास में हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर जी के दर्शन करिए। और ये आ गई अपनी मार्केट, जो यहाँ पे KFC है, गोपाल स्वीट्स है, और साथ में इधर ही स्ट्रीट फूड का भी मज़ा लीजिए। यहाँ पे तो हर तरह के फास्ट फूड्स की भी रेडियाँ लगी हैं, इधर आइसक्रीम की लगी हैं, उधर पाव भाजी डोसा, तो हम लोग डोसा का प्लान कर रहे हैं।
ਸਿਦਕ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ? ਵਧੀਆ चलो तो हादसा क्यों आ रहा है? अच्छा कौन कौन इसका टूट गया क्या? कौन ही टूटा जो ऊपर वाला ये होता टॉप वो गिर जाता तो खाने का क्या मजा था? अपना तो भाई ये चोकोबार सिंपल। गाइस अभी हम लोग जस्ट पहुंचे हैं और इसमें 10:45 हो रहे हैं रात के। तो अब जो आज की कार्रवाई है, और चिंटू कैसा रहा? बढ़िया था। बढ़िया। अब खाना खाने की जरूरत तो नहीं है? और सिदक पेट फुल हो गया? फुल हो गया। खाना खाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं ये ना कि मम्मी आके तुम बोला मैं तो खाना भी खाना है मैंने। नहीं चिंटू का तो पेट फुल है, चिंटू ने बोल दिया पहले। तो गाइस अभी आपको दिखाया मैंने 10:45 बज गए हैं और बच्चों ने भी डिनर स्किप कर दिया है, तो बाहर से ही खा गए थे हम लोग। तो अब सुबह इनके एक्चुअली सिदक के भी कल से स्कूल खुल रहे हैं और चिंटू के भी जो है पेपर है कल सुबह से, उसके भी कह रहा था कि पेपर इसके चल रहे हैं 4 तारीख से लेकर 9 तारीख से पेपर है। तो आज का यही है कि लगभग आज का जो है कि हम सारा कुछ ब्लॉग बना ही लिया आज का जो भी बनना था। तो आज का फिर ओके रिपोर्ट करते हैं और कल से फिर एक नई शुरुआत से एक नया ब्लॉग करेंगे आगे तैयारी उसकी। तो बने रहेंगे आप लोग वीडियो में, लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें जो भी नए व्यू कर रहे हैं हमारे ब्लॉग को। तो आज के लिए बाय।